नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और स्वागत करता हूँ आप सभी का PK7P में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCERT क्लास 9 हिंदी का क्षितिज का चैप्टर 2 अल्हासा की ओर, जिनके लेखक है राहुल सांस्कृतायन। अगर आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दे रखा है, जाकर जरूर देख ले। अगर आप चैप्टर 1 और 3 का भी वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने आई बटन पे दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जरूर जाकर एक बार देख ले। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल संस्कृतायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंद्रवा गांव में 1893 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मिडिल क्लास शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद राहुल संस्कृतायन नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के आधार पर ही उन्हें महापंडित कहा जाता है। वे घुमक्कड़ प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की। साहित्य के ये महापंडित 1963 ईस्वी में संसार छोड़कर चले गए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राहुल संस्कृतायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनकी कृतज्ञ को 2 भागों में बांटा जा सकता है। दर्शन दिग्विदर्शन, 22वीं सदी, बेलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदली, दिमागी गुलामी इत्यादि, मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, राहुल छात्रा यात्रा वाली, घुमक्कड़, शास्त्र किन्नर के देशों में, यात्रा के पन्ने, हिमालय परिचय, रूस में 25 मास आदि। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने घुमक्कड़ी के शास्त्र की रचना की। घुमक्कड़ी का मतलब रहा घूम घूम कर, उन वहाँ जाकर उनका जो अच्छा लगा वहाँ पर कैसे गए, कैसे रहे, ट्रेवल करके अलग अलग देशों में घूमकर। राहुल जी ने अपनी रचनाओं में परिनिष्ठित एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियों के रोचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग से भाषा की रोचकता बढ़ गई है। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। ल्हासा की ओर नामक पाठ के लेखक प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते 6 यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियां मिलती है। ल्हासा तिब्बत की राजधानी का नाम है जो कि तिब्बत में है। लेखक ने वहाँ की यात्रा को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग को यहाँ पे बताया है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिमपोट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी जो चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परिकत्व एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और बहुत कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं और न औरतें पर्दा ही करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोड़ीदार बर्तन यानी खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगी तो आप खुद जाकर थोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने
पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। यानी लेखक अपने तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फड़ी कलिमपोट का रास्ता खुला नहीं था। इसी रास्ते हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस जगह जगह पर फौजी चौकियाँ और किले बने थे जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही एक परित्यक्ता किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। उस परित्यक्ता चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसे राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चींटे दे दी। थोटला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। लेखक के साथ उनके मित्र सुमति भी जा रहे थे, जो तिब्बत के बसिंदे थे और वे तिब्बत के बहुत सारे इलाके को, वहाँ के जगह को जानते थे। लेखक उन्हीं के सहारे तिब्बत की राजधानी अल्हासा की यात्रा कर रहे थे। थोटला के आखिरी गांव में उनके मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब लेखक भद्री यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर गया था, तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़ी में रात बितानी पड़ी। अब लेखक को सबसे विकट ढाणा थोतला पार करना था। 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पर स्थित ये ढाणे सबसे खतरनाक जगह हैं। इसके आसपास कोई गांव नहीं होता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी तो नहीं मिलता है। यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता है। लेखक और उनके साथी भिखमंगे के वेश में थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसीलिए लेखक ने 2 घोड़ों कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे ढाणे पर पहुंचे जो 17 हज़ार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे। इनमें कुछ पर बर्फ थी और कुछ पर बर्फ न थी, और एक तरफ बर्फ थी और एक तरफ पूरी तरह हरियाली थी। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था, जिसे कपड़े तथा झाड़ियों से सजाया गया था। लेखक को अब उत्तराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके एक दो साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था और लेखक को लगा कि उनका घोड़ा थक गया है और उसने उस घोड़े पर जोड़ नहीं दिया। इस तरह से लेखक रास्ते भटक जाते हैं, जहां उसका जानकार सुमति प्रतीक्षा करता मिला और वे उस पर बहुत गुस्सा हुए, पर सारी बात जानकर उसका क्रोध शांत हो गया। लडकोर में वह जगह अच्छी जगह रुका। यहाँ उसे खाने को सत्तू, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुप्पा मिला। यद्यपि सुमति के परिचित तिड्री में भी थी, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है और जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें भी कुछ ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पुस्तकें रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अनेक अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने
फिर आसपास के यजमानों के पास जाने के लिए पूछा। मैंने उससे कहा कि तुम यजमानों से मिल लाओ और मैं तब तक कुछ पुस्तकें पढ़ लेता हूँ। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिडरी गांव वहाँ से बहुत कुछ दूर नहीं था। हमने अपने अपने सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी हमारी यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कीजिए। मैं प्रदीप मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।